स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट यूनिवर्सिटी। मैं इतिहास का निशानी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाला एन टी सी नेट टीचिंग एंड रिसर्च पेपर का, जो आप सभी का कंपलसरी पेपर है, जो आज बुक है वो अरिहंत पब्लिकेशन की है। इससे पहले मैं इन सब बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप, ये सब यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही होगी। इन सब का क्रिटिकल ओपिनियन मेरा पता चल जाएगा, मेरे चैनल पर आप जाके देखें। आज जो टर्न है वो अरिहंत पब्लिकेशन का है, तो बने रहे मेरे साथ। यहाँ पर आपको जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं फर्स्ट पेपर की, सबका रिव्यू मिलेगा और क्रिटिकल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपके साथ कोई सी बुक हो जाए, ट्रू मैन अभी नहीं है लेकिन मैं उसका जल्दी से रिव्यू करने वाला हूँ इन सब बुक के साथ कंपेयर करके। और इन सब वीडियो में इन सब जो बुक हैं, जितने भी उपकार पब्लिकेशन और के वी एस मदान हो गया आपका, उसमें देख सकते हैं आप हरप्रीत कौर मैम और ये चार राइटर ने लिखी है। इस टाइप से आपको चारों बुक, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग की दोनों बुक का अदर से कंपेरिजन मिल जाएगा। जितनी बुक मार्केट में बोले उन सबका यहाँ पे क्रिटिकल व्यू और जो सबसे बेस्ट होगी मैं आपको बताऊँगा। तो डिस्कस करते हैं अपनी बुक एन टी एच नेट अरिहंत पब्लिकेशन की, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। इस टाइप को आपको ये मिल जाता है, ये ऑथर्स अबाउट द बुक, यहाँ पर बुक के बारे में दे रखा है ऑथर्स ने क्या क्या बताया बुक के बारे में। आपको कंटेंट इस टाइप से मिल जाता है। सोल पेपर 2022 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ था 10 अक्टूबर को 2022 में, और आपके 10 यूनिट्स प्रैक्टिस सेट इसमें 1 से 5 तक दिए गए हैं। और ये आपका सिलेबस यहाँ पर काफ़ी एलोब्रेट करके बताया गया है चीज़ों को, देख सकते। सिलेबस तो आप सभी के पास हो गई, तो बुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एन टी एस नेट के जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उस सब को यहाँ पे डिस्कस किया गया। पैटर्न इसके सोल पेपर हैं 2022 के स्टेप्स। अब जैसे कि आपका 14 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ये आपका SPYQ होगा। देखिए आप सेम इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चंस के बाद नीचे आंसर मिल जाता है, जैसे कि आप देखें इस हिसाब से आपको सॉल्व किया गया है हैंड बैंड, उसके जस्ट नीचे आपको आंसर मिल जाता है। ये आपका 12 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो ये तो आप सबका PYQ होंगे ही, तो इसमें काफ़ी सारे PYQ दे रखे हैं स्टार्टिंग में। तो ये स्टेप से ही इसका एक फीचर है आपको मिल जाता है, इसमें लास्ट के PYQ मिल जाता है। इसमें 2022 से आपको 2019 के PYQ मिल जाते हैं फर्स्ट से सेकेंड शिफ्ट का। तो यहाँ से आपकी ये बुक स्टार्ट होती है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जर्नल पेपर आपका कंपल्सरी। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड Unit 1, इन दिस यूनिट स्टेप्स आपको सेपरेट एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाया गया है। बात करें तो इसकी प्रिंटिंग की पेपर क्वालिटी की थोड़ा डल है और प्रिंटिंग भी थोड़ी डल है, तो बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छे से कवर की गई हैं, देख सकते हैं आप। तो ईजी लैंग्वेज है, क्लिस लैंग्वेज का प्रयोग हिंदी में भी आती है सेम बुक, तो स्टेप्स आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें इसके कुछ इनर फीचर हैं जो मेरे को अच्छे लगे, मैं आपके डिस्कस करूँगा। जैसे कि ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन समझाई गई हैं चीज़ें यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीचिंग एप्री स्टेप चैप्टर काफ़ी अच्छे से फ्लो चार्ट में प्रयोग हुआ है, बस आपको प्रिंटिंग पसंद नहीं आएगी, थोड़ी सी पेपर क्वालिटी। अब जैसे इसके में लास्ट में देखते हैं कैसे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, कैसे कैसे सजाए गए हैं। ये चैप्टर प्रैक्टिस के नाम से सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे समझ आ रही होंगी। देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से इस टाइप से आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप इस टाइप से। अब यहाँ पे भी आप देखें तो आपको यहाँ पर भी आप विशेष ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आपको मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड, तो इस टाइप से इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। ऐसा ही आपको क्लासिफिकेशन मिल जाता है KVS मदान में, जैसे कि आप पढ़ेंगे स्टेप से ही सेम आपको क्लेशन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे भी आप अपना कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे हेडिंग डाली, फिर जितने रिलेटेड क्वेश्चंस बने इन्होंने दे दिए स्टेप से। प्रीवियस आप सब देख सकते हैं, प्रीवियस 2019 से यहाँ पर आपको
चैप्टर वाइज ये भी सबसे अच्छी मेरे को बात लगती है कि आपको PY के फॉर्म में मिल जाए। तो इससे मेन ये रहेगा कि आपको मार्केट में एग्ज़ाम में क्या चल रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और एग्ज़ाम सेटर किस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसका पैटर्न पहचानने में हेल्प हो जाएगी और आप उसी के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको बहुत सारे लास्ट ईयर के PY को मिल जाते हैं, तो इस टाइप से देख सकते हैं। मीन ये कि इन जो PY को हैं इनका सिर्फ आंसर नहीं दे रखा, तो थोड़ी सी आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हो, तो आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड नहीं कराए गए, यहाँ से आपको आंसर दिए गए, आपको उसमें एक व्याख्या एक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलता। रिसर्च एप्टीट्यूड इस टाइप से आपको सेकेंड चैप्टर मिल जाता है, देख सकते हैं आप सेकेंड चैप्टर। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, रिसर्च चैप्टर में बुक पॉवरबल मैंने काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास है, बहुत रेयर आपको उसमें मिस्टेक मिल सकती है, लेकिन जो इसका अपडेट वर्जन है उसमें आपको मिस्टेक नहीं मिलने की। आपको लैंग्वेज पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने की, लैंग्वेज ही काफ़ी क्लिस्ट नहीं है, आप इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपके पास जैसे कि KVS मैदान में आपको इस टाइप से PY को नहीं मिलते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपको अन्यथा जब यदि आपके पास KVS मैदान है इंग्लिश या हिंदी की, तो आपको इस टाइप से लास्ट ईयर के लगाने पड़ते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपको इसमें रियल करंट में क्या चल रहा है इसी नेट का फर्स्ट पेपर में कंपलसरी जो पेपर है उसमें आपको पता चलेगा किस स्टेप से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर है काफ़ी पुराने क्वेश्चन 2004 से 2005 के दे रखे हैं, अपडेटेड नहीं किए गए, तो विशेष ध्यान रखें आपको लेनी ही पड़ेगी यदि आपका KVS मैदान है। ये मेरा एक रिकमेंड है, आप इस चीज़ को माने कि आप इसे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अन्यथा आप ये भी ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये दोनों ही सेम पब्लिकेशन की हैं, यूथ कॉमर्स टाइम की, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। इस वाली बुक में और ज़्यादा फायदा है कि आपको एलोबरेट करके चीज़ समझाई गई है, इसकी जो प्रिंटिंग देख रहे हो पेपर क्वालिटी, तो आप इन बुक के बारे में यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सेपरेट देख सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। और आपको किसी बुक से कंपैरिजन, जैसे कि मैं इन बुक का कंपैरिजन भी करूँगा एक दूसरे से, कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊँगा, तो आप उसमें बने रह सकते हैं। कुछ चीज़ें से मैथ के इसके पोर्शन देख लेते हैं, मेरे को थोड़ी कमी यहाँ पर लगी, इनकी व्याख्या अवेलेबल होती तो बहुत अच्छा हो जाता। तो आप ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपको 5 मिनट में मिल जाता है, तो इसमें चीज़ें स्टेप्स अरेंज करी गई हैं। पेपर क्वालिटी और मेरे को प्रिंटिंग पसंद नहीं आई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, फिर उसके साथ यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है, जैसे कि लेटर सीरीज आ गई है आपकी, इस हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, उसके नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है। तो इस स्टेप से आपको इसमें ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, इस हिसाब से आपको मैथ मिल जाता है। देखो सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा समझाया गया है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मल बुक्स में रहता है, बिल्कुल बुक सबके सेम ही रहती है, किस लेवल सेम है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। मैथ देखो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो वीडियो पोस्ट करके आप अपना भी पढ़ सकते हैं, आपका कोई बुक हो। मीन ये है कि मेरे हिसाब से ये कंफर्ट जोन रहता है, कि आपका कंफर्ट जोन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपको PY को लेने हैं तो आपको सेपरेट परचेस करने पड़ सकते हैं PY को। इस वाली बुक में ऐसा नहीं है, आपको PY को 5 साल के मिल जाते हैं आपको बहुत सारे, तो आप इसको PY को से पढ़ जाते हैं। लेटेस्ट PY को से रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं। चैप्टर प्रैक्टिस में आपको सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, इस टाइप से बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर आपको देखो PY को 2019 से आपको बहुत सारे PY को मिलेंगे। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन, नहीं हाँ मैथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है, तो ये बेस्ट है, यहाँ पे मैथ में सॉल्यूशन होना भी चाहिए था, इस टाइप से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो बेस्ट है ये, तो आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लैंग्वेज में मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि मेरे सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पे और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास ये वाली बुक थी, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा निकाली जो मैंने खुद भी पढ़ा। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप ऐसी बुक लें जिसमें आपको लास्ट के PY को मिल जाए और आप बने रह सकते हैं मेरे इस सीरीज़ में, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपेरिजन वीडियो मिल जाएगा बहुत सारी बुक्स का, तो और आप ना भी जज कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम आपको देना है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं हिस्ट्री नेचरफ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री रिलेटेड, और यदि आपको कोई फर्स्ट पेपर रिलेटेड है तो आप मेरे को वहाँ पर्सनल मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। कोई आपकी क्वेरी है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप हमें टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, दिल से आभार।